याजूज और माजूज हैं कौन? तो बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में अलग अलग बातें बयान की हैं, लेकिन इनके बारे में दुरुस्त बात यह है कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, जैसे कि हम और आप, हम इंसान हैं। तो जैसे हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, ऐसे ही याजूज माजूज भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, औलाद में से। ये इस हवाले से एक बात। अब याजूज माजूज इनका नाम क्यों पड़ा? ये पूरी कौम, किसी एक का नाम नहीं है, बल्कि वो जो शुरू शुरू में किसी एक का नाम था या लकब था, उसकी तरफ निस्बत करते हुए इनकी पूरी कौम को, पूरी ज़ुर्रियत को याजूज और माजूज कह दिया जाता है। तो याजूज माजूज नाम क्यों पड़ा, वजह तस्मिया, रीज़न क्या है नाम का? तो इस सिलसिले में कोई दुरुस्त बात साबित नहीं है कि इनका नाम याजूज माजूज क्यों पड़ा। बाज़ लोगों का कहना है कि इनकी तादाद की कसरत, बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मजबूती के साथ इंसानों पर हमला करेंगे जब ज़ाहिर होंगे, तो इस मुनासिबत से इनका नाम जो है याजूज माजूज रख दिया गया। इसके अलावा कई लोगों ने और कई नाम रखने की वजह बताई है, लेकिन बहरहाल उनमें से कोई भी बात दुरुस्त नहीं है। बस एक नाम है, उनकी पूरी कौम को इसी नाम से जाना जाता है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ने इनका यही नाम जिक्र किया, और हदीस के अंदर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात बयान की।